Assalamualaikum. मेरा नाम आलिया हुसैन अहमद है और मैं एक सिरामिक आर्टिस्ट हूँ. मैंने ये सब चीज़ें बनाई हैं मिट्टी से और इनको मैं बहरीन से लेके आई हूँ बनाकर. तो इसके बनाने के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. कुछ वो ये है कि ये हम मिट्टी से बनाते हैं. मिट्टी जिस तरह लोग कुम्हार मिट्टी से मुख्तलिफ बर्तन उस पर बनाते हैं, वो जो गोल गोल घूमता है, क्या कहते हैं उसको, अड्डा टाइप की चीज़, तो मैं वो नहीं करती. मैं इसको रोटी की तरह क्ले को बेल लेती हूँ, उसके डिफरेंट शेप्स करती हूँ. इसको एक दफ़ा शेप बनाने के बाद हम सुखाते हैं, उसके बाद हम इसको फायर करते हैं किल में तकरीबन 10-12 हज़ार डिग्रीज पे, और फिर ये पक्का हो जाता है. पक्का होने के बाद इस पर ग्लेजिंग लगाई जाती है. ग्लेजिंग पाउडर्ड ग्लास होता है जो कि लिक्विड पाउडर की तरह होता है, उसको पेंट करते हैं और फिर भट्टी में डाल के पकाते हैं 12-14 घंटे, तो फिर ये शाइनी लुक आती है. तो ये वही लुक है जो बर्तनों के ऊपर होती है. और ये सारे जो फ्लैट प्लेटर्स हैं ये सब फूड सेफ हैं. इस पर आप खाना सर्व कर सकते हैं, इसको आप डेकोरेट करें. इसको मैं मल्टी फंक्शनल पॉटरी कहती हूँ कि ये हम सिर्फ सजाने का नहीं है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं. जो डब्बों में जिनके ढकने खुलते हैं उसमें आप कुकीज़ वगैरह स्वीट्स रख सकते हैं. ये कैंडल होल्डर्स हैं, छोटी छोटी प्लेटें हैं. तो बस ये है मेरा आर्ट. Assalamualaikum. I'm Leila Premji from Art Chowk the Gallery. Today we are having a wonderful show by artist Aliya Husain Ahmed. She is a Pakistani artist based in Bahrain. और ये सिरामिक्स में काम करती हैं. She works with clay and she creates these beautiful ceramic sculptures. Each piece has its own story. हर सिंगल स्कल्पचर पे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे डिटेल्स हैं, कलर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि हर पीस के पीछे एक कहानी है. सो हर वर्क हैज़ अ लॉट टू से. इट्स वेरी एक्सप्रेसिव, इट्स वेरी डिटेल्ड. शी यूजेस क्ले एज अ मीडियम एंड पेंट्स एंड देन फायर्स द वर्क टू गिव इट द ग्लेज्ड लुक. दिस इज़ हर फर्स्ट शो इन पाकिस्तान एंड एट आर्ट चौक. शी मोस्टली शोज हर वर्क अब्रॉड एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इनके काम का. लोगों को बहुत पसंद आया है. इट्स वेरी डिफरेंट. हर वर्क इज़ ब्यूटिफुल. इट्स रियली अनयूजल. और हर एक पीस वन ऑफ अ काइंड है. इसमें कोई वो नहीं है कि दो एक जैसे हों और कोई रिपीट्स नहीं होते हैं. सो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव आलिया शो हियर एंड वी होप दैट यू कम एंड सी हर वर्क एंड अप्रिशिएट हर सिरामिक स्कल्पचर्स. दे आर डिफरेंट, दे आर वेरी वेस्टर्न, दे आर वेरी यूरोपियन एंड दे ऑल हैव अ वंडरफुल स्टोरी टू टेल. थैंक यू. I have known Aliya for over 2 decades. This was before she became an artist. और मेरे सामने ही उसका आर्ट का इंटरेस्ट डिवेलप हुआ और उसने ये चीज़ें बनाना शुरू करी इन बहरीन. I have seen the very first few pieces that she made. और कैसे वो उनको बनाती थी और फायर करती थी और फिर उसके बाद ख़ुद किल्न ख़रीदा. बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस था उसका पूरा. और उसके जो शुरू के जो पहले फ्यू पीसेज हैं वो मेरे पास हैं, मतलब 15-16 साल पहले के. इसका हर पीस जो है वो एक ओरिजिनल तरह का है. हर चीज़ का कलर, टेक्सचर, देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड एवरीथिंग. देयर इज़ अ थॉट इन्वॉल्व.
behind every piece that she makes. I mean, for example, when she started making the candle stands, ye har kism ki auraton ko ke wo banati thi pieces aur unke upar candles laga deti thi. You know, women from different countries, from different culture. And we got lots of things as gifts in the initial years. And I'm so fortunate to be able to get those pieces because now I can see her being a very big artist, mashallah. Thank you.